इस वक्त बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जी हाँ, भारत के नए चीफ जस्टिस को लेकर इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जो आपको बता दूं कि शरद अरविंद बोबडे जो होंगे भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। आपको बता दें कि आज वे भारत के 47वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि उनको शपथ आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिलवाएंगे। आप ये भी जान लीजिए कि बोबडे जो है अयोध्या भूमि विवाद पे ऐतिहासिक फैसले देने वाले 5 सदस्यीय संविधान पीठ का भी हिस्सा थे। 63 वर्षीय जस्टिस बोबडे का CJI के तौर पे कार्यकाल 17 महीनों का होगा और वह 23 अप्रैल 2021 को रिटायर होंगे। जस्टिस बोबडे का जन्म 24 अप्रैल 1956 को नागपुर में हुआ था। उन्होंने 1978 में नागपुर के विश्वविद्यालय से BA और LLB की डिग्री हासिल करने के बाद 13 सितंबर 1978 से वकील के रूप में नामांकन करा के बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस शुरू किए थे। 1998 में उनको सीनियर एडवोकेट की उपाधि दी गई। बोबडे 29 मार्च 2000 को बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बने। इसके बाद 16 अक्टूबर 2012 को जस्टिस बोबडे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बने और 12 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट में जज बने। जस्टिस बोबडे ने 3 सदस्यीय इन हाउस जांच समिति की अध्यक्षता की थी, जिसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उसकी जांच में भी जस्टिस बोबडे शामिल थे। बोबडे ने आधार कार्ड को लेकर भी एक महत्वपूर्ण फैसला जो आया था उसके बेंच में अगुवाई कर रहे थे। तो ये आज की ब्रेकिंग न्यूज थी जो मैं आप लोगों को बता देना उचित समझा। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।